जब मैं माँ के पेट में था तो वो मुझे मजबूत रखने के लिए कित्ता खाती थी, जबकि उससे पहले कुछ भी खाने में कित्ता संकोच करती थी। अगर माँ ही संकोच करेगी तो बच्चा कैसे पलेगा? फिर मेरी आने की आहट भर से उसने सारे संकोच छोड़ दिए। फिर मुझे दूध पिलाने के लिए वो कुछ अच्छा कुछ पौष्टिक खाती रहती। मुझे याद है जब वो मेरी पॉटी भी साफ करती थी तो उसके चेहरे पर एक खुशी सी रहती थी। जब से मैंने उसका दूध पीना छोड़ा तब से उसने भी सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया और सब चीज़ें हम भाई बहनों के लिए संभाल कर रखने लगी। मैं घर में सबसे छोटा था तो सबसे ज़्यादा लाड़ भी मुझे मिलता था। माँ मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ लगती। उसके बिना मेरी ज़िंदगी की कोई कल्पना ही नहीं। मेरे सवेरे उठने के पहले से रात को मेरे सोने के बाद तक माँ मेरे लिए ही तो जीती रही। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उससे लिपट कर ही तो मैं रात में सोता था और उसके पेट पर अपना चेहरा रख कर कितनी निश्चिंत नींद सोता था मैं। जब मैं बीमार हुआ तो मम्मी को ऐसा लगा कि उसकी जान ही निकल जाएगी, और मुझे याद नहीं है कि जब तक मैं बीमार था तब तक मेरी माँ एक पल भी सोई हो। मैं धीरे से भी पुकारता तो माँ पलक झपकते मेरे पास होती थी। वैसे वो हटती ही नहीं थी मेरे पास से। मेरी माँ हर समय मेरे साथ ही होती थी। मैं जब दूल्हा बना तो मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। कितना उत्साह था मेरी शादी का। एक पांव से लगी फिरती थी सब काम करने को। ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मेरे बेटे की बहू आ रही है, मेरी एक और बेटी आने वाली है, मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आज भी माँ की आंख में आंसू हैं, पर खुशी के नहीं, असली जो मैंने उन्हें दिए हैं। उनकी वही बात जो मुझे अमृत लगती थी अब मुझे बुरी क्यों लगने लगी? माँ मेरे आगे पीछे उसी तरह लगी रहती है मेरा ख्याल रखने को, पर उसके ख्याल रखने से मुझे चिढ़ क्यों होने लगी है? डॉक्टर के पास माँ अकेले ही चली जाती है जबकि वो बूढ़ी हो गई है, पर मैं पत्नी को तो अकेले जाने नहीं देता। ऐसा क्यों हो रहा है मुझसे? कहीं मैं अपनी माँ को भार तो नहीं समझ रहा? माँ से हम पति पत्नी अब बात ही नहीं करते। अरे हम अपने बच्चों को भी उनसे दूर रहने को कहने लगे हैं। कहीं मैं अपनी माँ से नफरत तो नहीं करने लगा? नहीं, मैं अपनी माँ से नफरत कैसे कर सकता हूँ? तो फिर माँ अपना खाना खुद क्यों बनाती है? और मैं उससे कहता भी नहीं कि माँ नहीं, मेरे होते हुए तू खाना क्यों बना रही है? कुछ बात तो है। माँ को धुतकारना कहीं सामाजिक परंपरा तो नहीं? मेरे पिताजी बूढ़े होने के बावजूद भी जब तक अपनी माँ से लिपट नहीं लेते थे तब तक अपने बिस्तर पर नहीं जाते थे। अगर पिताजी घर में हैं तो वो अपनी माँ के साथ ही खाते थे। दादी के चेहरे की मुस्कान याद है मुझे। दादी मुझसे कहती थी, देख पप्पू तू भी ऐसा ही बेटा बनना अपने पापा से अच्छा। और मैं कहता था, देखना दादी मैं अपने पापा से भी अच्छा बेटा बनूंगा। माँ मैं आज समीक्षा करूँगा कि तू अकेली क्यों हो गई? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाता? मेरी पत्नी की अतार्किक बातें मुझे सही क्यों लगने लगी? और दोस्तों के साथ पार्टी मनाना मुझे तुम्हारी दवाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों लगने लगा? जब मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता
और अपनी माँ की बात नहीं सुनता तो मुझे क्रोध क्यों नहीं आता है? आज मैं अपनी बेटी के उस सवाल का जवाब दूंगा जो एक दिन उसने मुझसे पूछा था कि पापा, जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम तो झट से डॉक्टर के पास लेकर मुझे भागते हो, पर वही जब दादी बुखार में कहती हैं बेटा मेरी दवा ला दो तो तुम उन पे चिल्लाने क्यों लगते हो? माँ, मुझे धक से हुआ जब मैंने अपने और पड़ोसी की बच्चों को घर घर खेलते देखा। एक बच्ची दूसरे पे चिल्ला रही थी कि ये बुढ़िया, तू तो जान की आफत है, ना जाने कब तक सीने पे चढ़ी रहेगी। तभी एक लड़का उसी लड़की पर चिल्लाता है, माँ तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में बोलने की? आप हमारे मामले के बीच में क्यों कूद पड़ती हो? चुपचाप रहना है तो रहो। मुझे लगा ये बच्चे मेरी ज़िंदगी की सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो भी बिना किसी लिखी स्क्रिप्ट के। बच्चे अपना अनुभव और आंखों देखी बातों को खेल खेल में मेरे सामने रख रहे हैं। मैं चुपचाप उल्टे पांव लौट आया। थोड़ी देर बाद मेरा 5 साल का बेटा चहकता हुआ आया और बोला, पापा पापा, आज हमने घर घर खेला, जैसा आप करते हो ठीक सब वैसा ही किया, अच्छा किया ना पापा? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे मेरा वर्तमान मेरे बेटे के भविष्य में दिख रहा है। आज मैं सब सुधार दूंगा, तुमसे लिपट कर खूब रोऊंगा, मुझे माफ़ कर देना माँ, तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी क्योंकि तुम माँ हो।